मेरे डैड ने फिर से शादी की और मुझे एक अजीब बड़ी बहन मिली। अजीब शक्ल वाला क्यों का आ गया? अगर तुम्हें कुछ काम नहीं तो मैं फोन रख लूं। माफ करना, तुम्हें स्कूल में फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरी बड़ी बहन मेरी चिंता कर रही थी। बहन रुको, तुम्हारे बाल कलर के साथ क्या हुआ? मैं परेशान करने वाले को माफ नहीं करता। वो लड़का है सका क्योंकि है क्लास 2 से। वो अपनी क्लास में हमेशा टॉप आता है, चाहे जो हो, भले ही वो पढ़ाई में अच्छा हो। ऐसे लड़के की कभी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, मुझे उस पे दया आती है। सच में मुझे तुम्हारे हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? अपनी बहन के दम पर तुम बोलते हो और मुझे इससे कोई परवाह नहीं। तुमने गर्व कहा, तुम पॉपुलर नहीं इसलिए तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। ओए हायसा का कौन है? उसने पिछले टेस्ट में टॉप किया था, वो कितना कूल है। इस तरह के लड़कों में नफरत है। कमीने, ऐसे आदमी के किले में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे बहुत गुस्सा है जब मैं किसी को उसकी बड़ी बहन को ऐसे खराब होते हुए देखता हूँ। तुम्हारे सारे हुए बाल मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या तुम्हें लड़ाई करनी है? ये लो कुकी। नीजन, मुझे कुछ अजीब लग रहा था इसलिए मैं भागते हुए आ गई। क्या तुम तोमिया को उनको परेशान कर रहे हो? नहीं, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था। तुम्हारा ये जाना जरूरी है। तुम्हारे किए की सजा। मुझे माफ करना उची। मुझे नहीं लगा था कि तुम रूरे रूरे सान के छोटे भाई हो। मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम अजुकी सान के छोटे भाई हो। जो लड़का रूरे रूरे सान का बॉयफ्रेंड होने वाला है उसके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ, ऐसा लड़का जो मेरी बहन के साथ बाहर जाए उसकी मैं कभी इज्जत नहीं करूंगा। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? एक समय था जब मैं एक भाई चाहता था। मेरे पास अगर कोई भाई होता और डैड घर लेट भी आते तब भी मैं अकेला नहीं होता। चलो साथ में घर चले। मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे हैरानी है कि नॉर्मल ऐसा होता है। कोई की तुम बेवकूफ। चलो साथ में घर चले। मुझे लगता है कि हम सही कर रहे हैं।